अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीसीए, बीबीए, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में या कॉल करें 99391-23815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान के जेड इस्लामिया कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के सचिव जफर अहमद गनी ने किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जेपी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव रवि प्रकाश बबलू के साथ अब्दुल नासिर, अशोक पाठक, प्रोफेसर हरिश्चंद्र, जेड इस्लामिया कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल जावेद के साथ शिक्षक एवं सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंच से भाषण देते हुए कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली ने बताया कि एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेज महिला तीसरी इकाई द्वारा विशेष शिविर साप्ताहिक कार्यक्रम सिवान के चापढाला के पास स्थित टेगड़ा में मनाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी और स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाएगा। आशा कुमारी प्रोग्राम अफसर एनएसएस के हैं। आज हमारे प्रांगण में राष्ट्रीय शिविर का 7 दिवसीय शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन बहुत सारे विशिष्ट अतिथि हमारे यूनिवर्सिटी से भाई चांसलर साहब, एफए साहब, एफओ और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी के हैं हरिश्चंद जी, वो सब लोग आ रहे हैं। इसका उद्घाटन आज हो रहा है और राष्ट्रीय सेवा योजना के विषय में अगर है कुछ कहना है तो हम ये कहेंगे कि सारी लड़कियां हमारे साथ हैं और हम लोग महिला यूनिट से संबंध रखते हैं, इसलिए हमारे यूनिट में सिर्फ गर्ल्स लोग ही हैं और इसमें एक गांव का गोद लेना होता है और उस गांव के लोगों को जागरूक करना होता है। गरीब बच्चे हैं, गरीब महिलाएँ हैं,
जो नहीं जानती हैं स्वच्छता क्या है या पढ़ी लिखी कम है, बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों का ये है काम कि उस गांव में जाकर बच्चों को, महिलाओं को बताना कि स्वच्छता क्या है पढ़ाई के विषय में। तो हमारा एक गांव हमने गोद लिया है, टेघरा गांव का नाम है, और वहां बालिकाएं जाएंगी हमारे साथ और वहां पे शिविर लगेगा और सब लोगों का 7 दिवस कार्यक्रम होगा। शिविर कितने दिन का ये चलेगा? 7 डेज। कितने लोगों की टीम यहां से जाएगी? यहां हमारे साथ 50 गर्ल्स है। टेघरा एक पंचायत है, गांव है, चाप के पास गांव है, उसको अवार्ड भी मिला है वहाँ के मुखिया को, इसलिए वो गांव आदर्श ग्राम में उसका नाम आता है, उसी को हमने इसीलिए चुना है। और वहीं हम लोग लड़कियों को लेके जाएंगे, पर डे बहुत तरह का कार्यक्रम होता है, 7 दिन वहीं पे खाना आना सब जो कार्यक्रम होता है, और गांव के लोगों को, बच्चों को जागृत करना। देखा जाए तो कोरोना काल में लगभग 2-3 साल NSS का जो कार्यक्रम था वो गैप रहा, तो फिर से नई शुरुआत की जा रही है। नई शुरुआत, उसके विषय में भी जागरूक करना, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, दूसरे वेरिएंट के रूप में अभी भी है कि तीसरे वेरिएंट के रूप में आना है, तो लोगों को एक दिन का कार्यक्रम मेरा ये भी है, इसमें 7 दिन का कार्यक्रम अलग अलग हमने तय किया है। आज केवल बच्चों का काम होगा, तो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, एक दिन कुछ डॉक्टर महिला को हमने बुलाया है और वो महिलाओं को वहाँ पर स्वच्छता अभियान पर बताएंगे कि अपने शारीरिक स्वच्छता को कैसे ध्यान देना है। और कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी है सामान का स्वच्छता के लिए। कब से कब तक चलेगा? आज उद्घाटन हो रहा, आज से ही शुरू है। आज से आपकी टीम पहुंच जाएगी? आज से टीम हमारी पहुंच जाएगी, यहाँ उद्घाटन यहाँ से हो रहा है, समापन भी हमारा यही होगा और बाकी सब हमारे गांव से ही। ठीक है, थैंक यू। कुछ कार्यक्रम है आप लोगों का? नमस्कार, मैं रोशनी गुप्ता, मैं भी NSS की एक वॉलंटियर हूँ। NSS से हमें लोगों को ये जागरूक करना है कि लोग अपने आप, अपने समाज को और अपने आसपास के मतलब जगह को कैसे साफ सुथरा रखें और कितना सुरक्षित साफ सुथरा के बारे में वो जान सकते हैं। तो हम उनके पास जाएंगे और उनको ये समझाएंगे, उनको ये बताएंगे कि हमारे लिए साफ सफाई और हमारे एक दूसरे का हेल्प करना कितना ज़रूरी है। धन्यवाद। की ही मैं देर हूँ, प्राइमरी से PhD तक स्कॉलरशिप से मैंने पढ़ा, इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ वो समाज के लिए काम करता हूँ कि मैं वो कर्ज को उतार सकूँ जो कर्ज हमारे ऊपर है, और जिस कर्ज को मैं आज तक हुआ वहाँ तक उतार सकूँगा, ये तो ऊपर वाला ही तय करेगा या आप लोग तय करेंगे, मेरा काम तो है कोशिश करना, मैं कोशिश में भरकर लगा रहता हूँ। NSS जैसा कि हमारे कॉर्डिनेटर साहब ने बताया, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्र सेवा योजना, राष्ट्र सिर्फ जमीन नहीं है, लोग सिर्फ जमीन से राष्ट्र को समझते हैं, आदमी से मतलब नहीं है। जो लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हो हमसे ज्यादा जानते हैं, स्टूडेंट भी जानते हैं कि कार्रवाई में क्या कहा, किसने क्या कहा, व्हाट इज स्टेट, उसके क्या क्या डिपार्टमेंट है, सॉवरेनिटी है, पॉपुलेशन है, उसकी इंटीग्रिटी है, उसकी हुकूमत है, बहुत सारी चीजें हैं, तो दे आर इंटीग्रेटेड टुगेदर, वो सिर्फ जमीन में टुकड़ा नहीं है। और जो इस अहमियत को मानते हैं कि आज सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, वही पूरे समाज, दुनिया और देश में जो ये अफरा तफरी मची हुई है, खून रेती मची हुई है, ये उसी का फल है, समझने की जरूरत है। मैं बहुत उस ओर नहीं जाते हुए कहना चाहूंगा, राष्ट्र तो हमारे सामने, सेवा परमो धर्म है, हमारी संस्कृति है, हम कहते हैं सेवा परमो धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं, तो फिर सेवक क्यों नहीं बन रहे हो? कोई कहते हैं मैं देश का प्रधान सेवक हूं, मैंने तो यहां तक कहा था कि सभी अधिकारी में सेवक लगाइए, प्रखंड सेवक लगाइए BDO में, अंचल सेवक लगाइए CO में, SDO में, अनुमंडल सेवक लगाइए, DM में, जिला सेवक लगाइए, कमिश्नर में परमंडल सेवक लगाइए। हमको भागलपुर से मैंने प्रस्ताव किया, तब उसमें सेवा का भाव आएगा कि मैं सेवक हूं, कहने से सेवक नहीं होता है, जहनियत होनी चाहिए कि मैं सेवक हूं, और उस जहनियत की कमी है। तो हम लोगों ने कहा कि ग्राम सेवक में तो सेवक लगा पाए, आप लोग सब जानते हैं कितना सेवा कर रहा है ग्राम सेवक, क्या सेवक लग जाने से सेवा करने लगेगा? हमने जहनियत तो बदली, मैंने राष्ट्र बताया, सेवा बताया, और ये स्कीम एक योजना है किनके लिए? युवाओं के लिए,
हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 60 से 70 करोड़ युवा हमारे देश में यूरोप की पूरी आबादी मिला लेते हैं, रूस को छोड़कर पूरे यूरोप की आबादी के बराबर हमारे यहां नौजवान है। तो फिर परेशानी क्यों है? कहीं ना कहीं तो भटकाव है, बिलगाव है। हमारा लक्ष्य निर्धारित, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं विशेष तौर पर जेडे इस्लामिया के प्रबंध समिति से, यहां के शिक्षकों से, मैं जब पहली बार आया था तभी तकरीबन 20-25 शिक्षक चाह रहे थे मिलना, ये आज भी हमें पैगाम मिला। मैं कहा कि मैं प्रोग्राम के लिए आऊँ, प्रोग्राम करके जाऊंगा, यहाँ मैं दूसरी बातें नहीं करूंगा। आप टाइम लें, आए, हम लोग उस पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे। जो राज्य स्तर का होगा, जो महामहिम स्तर का होगा, जो जिस स्तर का होगा, वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे, उसका भी काम करेंगे। ऐसा कुछ थोड़ी है, विश्वविद्यालय को बेहतर करने के लिए कुलपति होते हैं कि बदतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा विशेष तौर पर जेड इस्लामिया के इस थर्ड इकाई का, तीसरी इकाई के जो खातून पर आधारित है, कि किसी भी समुदाय में, संप्रदाय में औरतें उसका आईना होती है। मैं बराबर से भागलपुर में इसकी चर्चा करता था कि तुम सुधरो, क्योंकि मैं स्थायी लोक अदालत में भी परमानेंट सदस्यता 16-17 साल तक बराबर हमको पारिवारिक मामले जो डिस्ट्रिक्ट जज के आते थे वे हमारी तरफ क्रॉस करके जाते थे कि फारूक साहब भी अच्छा से समझाते हैं, और फिर लगातार 10 गेट देते थे, सिनेमा देखने भेजते थे, फिर बुलवाते थे, उम्मीद हुई लगा। तुम्हें बराबर वहां कहता था कि सुधरो, नहीं सुधरोगे तो देश का कानून तुम्हें सुधारेगा। आप सुधारा है संविधान के तहत हमारे देश में अलग अलग संहिता लागू, लेकिन सरकार चुपचाप नहीं बैठ सकती। उसके लिए सर्वोपरि है तमाम चीजें। इसलिए मैं ज्यादा खुश हूं कि जो रूल में दिखाई है वो ये पहल कर रही है। मैंने कहा कि आईना होता है समुदाय संप्रदाय की औरतें, वो किस हाल में है, किस स्टेटस में है, उसे समुदाय के बारे में समझ में आती है, सोच में। मुझे उम्मीद है कि जो भी शिकायत से जुड़े हैं वे तालीम के जरिया, अपनी तरबियत के जरिया पूरे माहौल को बदलने की कोशिश करें। यही तो शिविर है, सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं है। आवर वर्ड शुड स्पीक लाउडर देन आवर स्पीच। लेकिन हमें की गाजिए तकरीर है, तकरीर में गाजी है और मेहनत में कुछ नहीं। आवर वर्ड शुड स्पीक लाउडर। मैं अखबार के नुमाइंदों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साथियों से मैं फिर से मुखातिब होऊंगा, उन्हें कहूंगा। मैं बराबर छपरा में बोलता हूं कि सिवान और गोपालगंज में बच्चे कक्षा में आते हैं और अच्छी संख्या में आते हैं, रिजल्ट भी इनके अच्छे हो गए छपरा से, जबकि विश्वविद्यालय का मुख्यालय छपरा, सारण जिला मुख्यालय अवस्थित है। ये तो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर गोपालगंज 90 किलोमीटर। क्यों? इसलिए भी नहीं लगता है कि पढ़ाई के अलावे और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। वो आम लोग यूनिवर्सिटी पर दखल देते हैं जिन कारणों से उन्हें लगता है कि शायद बगैर ये सब काम किए उधर से हासिल कर लें, ये उनकी भूल है, ये उनकी चूक है। बदलाव होने की इसमें जरूरत है। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि आपका परम धर्म जो स्टूडेंट्स हैं पठन पाठन, वही तो उनकी इबादत है। जो पढ़ने पढ़ाने के लिए वालदेन खर्चा कर रहे हैं, कितनों के वालदेन कैसे उतार रहे हैं वो खर्चा मैं जानता हूं। एक बेटी को पढ़ाने में तकरीबन 2-3 बेटे के बराबर खर्चा होता है। अंदेशा तो माँ बाप को अलग ही होता है, जो हमारे माहौल है मैं उस माहौल के बारे में बात करता हूं, मैं अपनी बात नहीं करता। अब नजर लगे अगर उसमें वो नहीं पढ़े, पढ़ती हैं हम अच्छा कर रहे हैं। इसलिए समाज तब बदलेगा जब हम और आप पहल करेंगे। अभी
लक्षकीत गा रहे थे, खुद को सवार है वसुंधरा सवार है। तो हम जब खुद को नहीं संवार रहे और वसुंधरा संवारने का कीर्ता है, संवरेगी वसुंधरा? कभी नहीं सुन रहेगी, नहीं सुन रहेगी, क्योंकि हम खुद नहीं सुधर रहे हैं। और हम कहते हैं तुम खुद तो बदल, तुम खुद तो बदल, तब ये जमाना बदले। हम बदल ही ना रहे, आपको बदलने के लिए कह रहे हैं। हमारे विचार संकुचित हैं, हमारी संवेदनाएं सीमित हैं। मैं छात्र छात्राओं से कोशिश करूंगा कि वे इन चीजों को समझें कि कंपैशन इज नॉट लिमिटेड। दर्द तो सबको बराबर होती है, रोड में एक्सीडेंट होता है तो क्या एक खास समुदाय के लोगों को कम दर्द होता है, दूसरे समुदाय के लोगों को ज्यादा दर्द होता है? अरे दर्द तो सबको बराबर होता है, उसकी इंटेंसिटी तो उसके इंजुरी पर निर्भर करती है, कितनी इंजुरी हुई है उसको उसका दर्द होता है, कोई नहीं। फिर हमारी संवेदनाएं क्यों संकुचित हो जाती है? जो नाम पूछ के, जात पूछ के, धर्म पूछ करके उसका उसको छोड़ देते हैं। समझने की जरूरत है, राज सेवा तो नहीं है, 7 दिन का शिविर है, बीच में होली है, मूवमेंट भी नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं कोऑर्डिनेटर साहब से चाहूंगा, कहते हैं कि नहीं तो डेट तय है 14 से 21 नहीं होगा, नहीं बीच में 2-3 दिन मूवमेंट नहीं होगा, आप उसमें वृद्धि करिए, बीच में होली डे दे दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, और 7 दिन में कम से कम 1-2 दिन अपने महाविद्यालय में काम कीजिए। अगर 60 हमारे स्वयंसेवक, 60 स्वयंसेवक हमारे इस परिसर में अगर 5 घंटा काम करेंगे, 300 घंटा होगा, सिर्फ 5 घंटा कर रहे काम कर रहे। आप शिक्षक के बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।